नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर ही सिर्फ एक मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सिर्फ एक मिनट में आप अपने बैंक अकाउंट में अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर बैठे ही। जी हाँ, अब आपको बैंकों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, और ना ही वहाँ पर लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत है, ना ही धक्के खाने की कोई ज़रूरत है। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप सिर्फ एक मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट से अपने आधार कार्ड को लिंक कर लेंगे अपने घर बैठकर ही। तो दोस्तों सबसे पहले सिर्फ हमें एक मैसेज करना है, और उस मैसेज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मैसेज करने में गलती कर देते हैं, टाइप करने में गलती कर देते हैं, और उनका आधार कार्ड आधार नंबर जो होता है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं हो पाता। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। तो देखिए हमें मैसेज करना है, आप अपने मैसेज बॉक्स को ओपन कर लीजिए। देखिए मैं अपने मैसेज बॉक्स को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो आपको अब यहाँ पर मैसेज बॉक्स ओपन करने के बाद बिल्कुल उसी तरह से मैसेज भेजना है जैसे हम अपने दोस्तों को मैसेज भेजते हैं। जहाँ दोस्तों यहीं पर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं और हमारा बैंक अकाउंट के साथ हमारा आधार नंबर लिंक नहीं हो पाता। तो आप ध्यान से देखते रहिए। अब हमें यहाँ पर मैसेज भेजना है, तो हमें किस नंबर पर मैसेज भेजना है, देखिए ऊपर मैं नंबर टाइप करता हूँ 5676767676 पर, इस नंबर पर हमें मैसेज भेजना है। और मैसेज में हमें क्या टाइप करना है, बड़े अक्षरों में लिखना है दोस्तों, सभी बड़े अक्षर होंगे, UID लिखना है आपको बड़े अक्षरों में, और उसके बाद स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ 00 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अपना यहाँ पर 12 डिजिट का अपना आधार नंबर लिख देना है। दोस्तों मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पर अपना आधार नंबर नहीं लिख रहा हूँ। तो आधार नंबर लिखने के बाद आपको फिर स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद फिर आपको अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ 00 लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर UID लिखना है बड़े अक्षरों में, फिर स्पेस देना है, स्पेस के बाद आपको अपना आधार नंबर लिखना है, और आधार नंबर लिखने के बाद स्पेस देना है, और उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर लिखना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर उसी नंबर से मैसेज करना है, ये ध्यान देने वाली बात है, आपको उसी नंबर से मैसेज करना है जो फ़ोन नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे नंबर से करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर के साथ आधार नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। तो आप उसी नंबर से मैसेज करना जो नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही आप मैसेज भेज देंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। दोस्तों ये थी एक वीडियो की किस तरह से बड़ी आसानी से आप घर बैठे अपने आधार नंबर को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब के लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।